मिशन यूपी के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अपने किसान रैली की शुरुआत देवरिया में घाट सभा से की। इस सभा के दौरान राहुल ने किसानों की कर्जा माफी और बिजली का बिल आधा करने की मांग की, लेकिन जैसे ही घाट पंचायत खत्म हुई लोगों में खटिया लूटने की होड़ मच गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति बहाली के मकसद से कश्मीर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लौटने के बाद कश्मीर घाटी के ताज़ा हालात पर रिपोर्ट दी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से कश्मीर पर नई रणनीति को लेकर चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी भी सोमवार रात ही चीन में G20 सम्मेलन में शिरकत कर लौटे हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे लोकपाल बिल आंदोलन में सहयोगी रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक तीन मंत्रियों के अलग अलग विवादों में फंसने से दुखी हैं। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल से उनकी जितनी उम्मीदें थी अब सब खत्म हो चुकी हैं। तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक में आंदोलन तेज हो गया। राज्य के किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने आज बेंगलुरु मैसूर हाईवे बंद कर दिया है। कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों और पुराने श्रीनगर शहर में मंगलवार को 59वें दिन भी कर्फ्यू जैसे हालात जारी रखे गए हैं। घाटी में जारी हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 75 हो गई है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। दुर्तेते ने ओबामा के लिए उपशब्दों का उपयोग किया था, जिस पर अब उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर की आज़ादी के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों की सुविधाएं अब बंद हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अलगाववादियों को दी जा रही सरकारी सुविधाओं पर रोक लगा सकती है। गाजियाबाद की डासना जेल में आरुषि तलवार हत्याकांड में बंद नूपुर तलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 हफ्ते के लिए पेरोल पर रिहा करने का फरमान जारी कर दिया है। नूपुर को अपनी बीमार माँ के पास जाने के लिए पेरोल दी गई है। फ्लाइंग सिख नाम से फेमस मिल्खा सिंह रियो ओलंपिक में इंडियन एथलीट्स के खराब परफॉर्मेंस से बेहद खफा हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स बॉडी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए स्पोर्ट्स बॉडी को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में मेडल ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सही मायने में तो सारी स्पोर्ट्स बॉडी को खत्म कर देना चाहिए। वे असफल साबित हुए हैं, उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। भारत के रोहन बोपन्ना और उनकी कनाडियाई जोड़ीदार ग्रेबियाला डब्रोवस्की को अमेरिका ओपन के मिक्स डबल मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में हार मिली। भारत की महिला स्टार सानिया मिर्जा हालांकि वुमेन्स डबल्स के अपने मुकाबले में जीत हासिल करने में सफल रही हैं। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए emstv.in।